अब इस क्वेश्चन में हमें फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगेन फिर से मिनिमम और मैक्सिमम जैसे ही आएगा हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि दिए हुए एक्सप्रेशन को किसी भी एक्सप्रेशन के स्क्वायर के फॉर्म में लिख के मैनिपुलेट किया जाए। उससे आसानी से आप पता कर सकते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम क्या होगा। तो यहाँ फिर से स्क्वायर का टर्म है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म बनाए। तो ये क्या हो गया हमारा 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का टर्म मिल गया हमें, ये 2ab वाला टर्म है, ठीक है। तो 2a तो एज इट इज हम लिख देते हैं। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 2x आए, यानी हमें क्या देखना है कि 2 इंटू 2x इंटू क्या 2x के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये क्वेश्चन मार्क कैसे निकालेंगे, तो 2x और 2x कट गया तो क्वेश्चन मार्क हमारा हाफ आएगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क की जगह हाफ लिखते हैं। हाफ लिखेंगे तो आप देखिए ये 2 और 2 कैंसिल होके ये 2x आ गया और ये भी मेंटेन्ड, तो हमारा एक्सप्रेशन नहीं बदला, हमारा 2ab का टर्म भी आ गया। अब जैसे ही 2ab का टर्म आ गया तो हम लोगों को बी स्क्वायर सबसे पहले लिख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर नहीं है तो हम लोग -1/2 का होल स्क्वायर भी कर देते हैं ताकि प्लस और माइनस होके नेट इफेक्ट जीरो रहे, और प्लस वन तो यहाँ पे है तो प्लस वन तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया 2x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, 2x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और बाकी क्या बचा 1 - 1/4। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया 2x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब आप बताइए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी ये एक्सप्रेशन किससे बड़ा या बराबर होगा 0 प्लस 3/4 से, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जो रखेंगे उससे भी बड़ा होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहां पे ये एक्सप्रेशन 0 प्लस 3/4 से बड़ा या बराबर होगा ही, यानी कि दिस गिवन एक्सप्रेशन इज दिस। तो यहां से अगर हम लेते जाएं तो इस चीज को हम क्या कहेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3/4 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ये मिनिमम कितना है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि मिनिमम कितना है 3/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हमारा इस मेथड से है, कभी भी मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है तो हमको दिए हुए एक्सप्रेशन को किसी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है, और जैसे ही स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इनइक्वालिटी मिलती है, और इनइक्वालिटी से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि उस एक्सप्रेशन का मिनिमम या मैक्सिमम क्या होगा। सेकेंड मेथड अगेन अगर हम लोग देखें डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो इसको अगर मैं पी एक्स मान लूँ तो डी पी एक्स बाय डी एक्स, जो कि रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि ये ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8x 4 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1, इसको 0 कीजिए विच इंप्लाइज x हमारा आ जाएगा -1/4। x अगर -1/4 आ गया हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 8। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आया तो x की इस मान पे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आएगा, जैसे ही ये ग्रेटर देन 0 है डबल डिफरेंशिएशन तो एक्स की उस मान पे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आएगा जो हमें निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह -1/4 रखिए, तो 4 इंटू -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/4 प्लस 1, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू 3/4 ही आएगा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन मेथड से जाएंगे तो इस तरीके से आएगा, नॉर्मल तरीके से आप जाएंगे तो हम उसको आइडेंटिटी यूज़ करते हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख के उसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि उस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इज़ 0, तो हमें इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके निकालना है।
तो इसमें एक तो आपका सबसे पहले दिमाग चलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC का कुछ यूज़ होगा, लेकिन कई बार मैनिपुलेशंस इजीली आपको साइट हो जाती हैं जो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ए प्लस बी हम सीधे क्या लिख सकते हैं, माइनस सी, तो दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1 बाय माइनस सी का होल क्यूब प्लस 1 बाय माइनस ए का होल क्यूब 1 बाय माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, माइनस है और पावर ऑड है तो माइनस साइन बाहर आ गया, यहां भी वही है माइनस है और पावर ऑड है तो माइनस साइन बाहर, यहां भी बाहर, तो प्लस और ये माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो के आंसर हमारा सीधे सीधे 0 आ गया। ये क्वेश्चन बेसिकली देने का मतलब यही था कि कई बार जो है सिर्फ फॉर्मूला में फंस के नहीं देखना, कई बार आपको पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है क्या उससे डायरेक्टली कुछ यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि एलजेब्रा है, एलजेब्रा में आइडेंटिटीज़ यूज़ ज़रूरी नहीं है करनी ही पड़े, कई बार मैनिपुलेशंस ऐसे होते हैं कि आपको करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़े, और ऐसे क्वेश्चंस SSC वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं जहाँ पे टाइम का बाउंडेशन होता है और शॉर्टकट या कोई ऐसी ट्रिक आप लगा दें एक ऑब्जर्वेशन से जिससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके, कम टाइम में बन सके, तो सिलेक्शन करने वाले इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएं जो सिर्फ ट्रिक से या चालाकी से सॉल्व किए जा सके, तो ये क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें के की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर हो, किसी इंटीजर का, किसी इंटीजर नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। जैसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, तो ये सारे नंबर्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, किसी ना किसी इंटीजर का स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है तो हमें इस एक्सप्रेशन को किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्रूव करना होगा, किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्रूव करना होगा, वो नंबर, वो जो नंबर है वो एक इंटीजर हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो इस नंबर में हम लोग पी को क्या लिख सकते हैं, रूट पी का होल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो हमें पी को भी तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। रूट ओवर ए का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने पहले देखा भी है, रूट ओवर ए का होल स्क्वायर हमेशा ए होता है, तो रूट ओवर पी का होल स्क्वायर क्या होगा, पी होगा, तो हम पी को रूट पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला टर्म जो है ये 2AB वाला टर्म है, यानी कि 2 इंटू ए, तो हमने आइडेंटिफाई किया तो ए लिख दिया हमने, और बी क्या होगा, क्या होगा वो होगा ताकि ये दोनों बराबर हो, यानी कि 2 इंटू रूट पी इंटू द क्वेश्चन मार्क, ये किसके बराबर होगा, 1/4 रूट पी के, रूट पी और रूट पी कट गया तो क्वेश्चन मार्क क्या निकला हमारा, 1/8, तो यहां हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखें, 1/8, 1/8 लिखा, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2AB आया, तो प्लस बी स्क्वायर तो हम लोग सीधे लिख देंगे, और चूंकि 1/8 होल स्क्वायर यहाँ नहीं है तो वो -1/8 होल स्क्वायर कर देंगे, और के स्क्वायर एज इट इज लिखा है उसको के स्क्वायर लिख देंगे। अब ये पूरी चीज़ क्या है, रूट पी प्लस 1/8 का होल स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास ये के स्क्वायर -1/8 का होल स्क्वायर आया। परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब सिर्फ किसी नंबर का स्क्वायर आए, ठीक है, तो किसी नंबर का स्क्वायर आए तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी ये पूरी चीज़ किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि के स्क्वायर -1/8 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया, विच इम्प्लाइज के स्क्वायर बराबर 1/8 का होल स्क्वायर हो गया, तो के क्या हो गया हमारा, +-1/8, के अगर 1/8 हो या के अगर -1/8 हो, दोनों के केस में
ये चीज़ ट्रू होगी, क्योंकि के स्क्वायर क्या आया 1/8 का होकर, यानी कि 1/64। के अगर 1/8 लीजिए तो उसका स्क्वायर 1/64 होगा, अगर के -1/8 लीजिए तो भी उसका स्क्वायर 1/64 ही होगा। तो यहाँ हमारे पास के की दो वैल्यूज मिली, के इज इक्वल टू 1/8 और -1/8। तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ दो वैल्यूज आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, सिर्फ 1/8 नहीं, -1/8, +1/8 और -1/8 दोनों वैल्यूज अगर होंगी तो उस केस में दोनों सूरतों में ये जीरो हो जाएगा और दिया हुआ एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दे रखी है और हमें √x - 1/√x निकालना है। तो जहाँ ये x की जो वैल्यू दे रखी है ये इरेशनल नंबर है, तो जब भी अलजेब्रिक क्वेश्चन में अगर इरेशनल नंबर आए तो आपको जनरली इसके कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर नंबर 3 + 2√2 है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 2√2। तो हम लोगों को ये आइडेंटिफाई कैसे करना होगा कि अगर ये x दिया है हमें क्या निकालना है, 1/√x भी निकालना है। इस चीज़ की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, रूट निकालना आसान नहीं है तो हम स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालने का फ़ायदा क्या हो जाएगा, ये एक्स +1/x - 2√x (√x), तो ये -2 आ गया। तो x हमारे पास पता है, x क्या है 3 + 2√2, हमें 1/x निकालना है। तो 1/x क्या होगा, 1/3 + 2√2। अब इरेशनल नंबर का को अगर हमें रैशनलाइज करना है तो हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नंबर अगर 3 + 2√2 है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नंबर नहीं बदला, ऊपर में हमारे आ गया 3 - 2√2 और नीचे क्या आया a + b (a - b)। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, a² - b², यानी कि 3² - 2√2 का होल स्क्वायर। ये क्या बना, 3 - 2√2 / 3² = 9 -2² 2√2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, 2² √2 का स्क्वायर, 2² = 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि ये 8 हो जाता है। तो ये 8, तो 9 - 8 = 1, तो ये क्या आ गया 3 - 2√2। तो 1/x हमारा ये आ गया, तो ये x हमने यहाँ लिखा है और 1/x हमारा क्या आया 3 - 2√2 और ये √x कट के यहाँ पे -2 आ गया, ये और ये कट गए, बचा हमारा 6 - 2 यानी कि 4 और ये किस चीज़ का, इसका स्क्वायर है। हमें निकालना क्या है, √x - 1/√x, यानी कि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज मिलेंगे +-2। एक्स की वैल्यू √x - 1/√x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। यहाँ पे अगर ये प्लस रहता तो सिर्फ हम प्लस लेते, यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज मिलेंगी, √x - 1/√x + 2 या -2, दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों केस में आप देखेंगे कि स्क्वायर जो है वो 4 ही आएगा। इसका स्क्वायर 4 है, 2 लीजिएगा इसके अंदर तो 2² भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है। तो √x - 1/√x 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन में ए होगा। अब हम यहाँ पे, हमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, दो कॉन्स्टेंट्स हैं x एंड y और उनके वैल्यूज दे रखे हैं। x दिया हुआ है 2 + √3 और y दिया है 2 - √3, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों के वैल्यूज फिक्स्ड हैं। तो हमें निकालना है 1/1 + x + 1/1 + y। यहाँ फिर से देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स हैं तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। आप देखिए x * y अगर आप करिएगा तो क्या आएगा, x * y क्या होगा 2 + √3 * 2 - √3, a + b * a - b यानी कि a² - b² तो 4 - 3 = 1 यानी कि y = 1/x। यहाँ से हमने जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उससे ये डिड्यूस किया कि y 1/x के बराबर है। अब जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें अगर हम आ जाएं
तो इसमें हम 1/1+x को ऐसे ही रहने दें, y की वैल्यू वहाँ पे रख के निकालने की कोशिश करें, तो y की जगह क्या रखेंगे हम 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1+x एज इट इज प्लस 1 बाय, यहाँ पे इस नंबर में हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 1/1+x प्लस ये पूरा नंबर है 1 डिवाइडेड बाय, क्या है ये नंबर हमारा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाय x, यही है ना 1 डिवाइडेड बाय, ये पूरा ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय। ये डिवीजन जब मल्टीप्लीकेशन में बदलता है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा x/x+1। तो यहाँ इस पूरी चीज की जगह हम क्या लिखेंगे x/x+1, x प्लस वन यहाँ पे एलसीएम कॉमन, एलसीएम लिख देंगे x+1 है तो यहाँ 1, यहाँ भी x+1 है तो ये x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम, कट के क्या आ गया वो 1, तो 1/1+x प्लस 1/1+y यहाँ इस सूरत में कितना आ गया 1।